और उस दिन की वो कहानी थी कि उनके द्वारा उस फोन के होने के कारण लोग मुझसे कहा अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए या फेसबुक आईडी बताइए। सब भैया मैं चलाता हूं ना, क्यों है जाकर मार देना अपना रिक्वेस्ट, अभी अगर खोलूंगा देख लूंगा कहीं पे मैं तो शौक कोई चीज नहीं। और अभी भी उसका एक असर मेरे ऊपर है कि नई पिक्चर आती है रिलीज हो जाती है गाने रिलीज हो जाते हैं, बस मुझे सुनने का टाइम नहीं आता कि वो कौन सा गाना था कौन सा पिक्चर गाना था मुझे नहीं पता, क्यों इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता रहा था, वो बड़े लोगों का एक असर होता है वो आपके जो गार्जियन होते हैं जो आपके ऊपर बैठे होते हैं वो हमेशा आपके लिए बेहतर सोचते हैं। आप अगर तो इनके स्टेप्स को फॉलो करोगे क्या मिलेगा, अगर आप बर्बाद होगे मैं आपको क्या मिलेगा। हम एक पोजीशन पे हैं, मैं आपके स्कूल का ऑनर हूं, लेकिन अगर आप बर्बाद हो रहे हो तो उससे मेरा कोई बेसिक फायदा नहीं, उससे मेरा खुद का नुकसान है। और दूसरी बात व्यक्तिगत तौर पे मैं कभी भी अपने आप से सामना नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरी वजह से किसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो रहा है, मैं सामना नहीं कर सकूंगा एक इंसानी तौर पे। तो हम जहां तक अपने एक प्रोफेशन में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को फॉलो करते हैं वहीं पे हम अपनी एक व्यक्तिगत एक अपनी प्राइवेसी वाली लाइफ को भी फॉलो करते हैं, पर्सनल लाइफ बोलते हैं। अपने दोनों लाइफ को आप अलग रखिए, आप काम से जहां पे हैं काम कर रहे हैं तो बेशक तौर पे वो आपकी सीनियर है, सी इज जस्ट योर डायरेक्टर, सी इज जस्ट योर ऑनर, सी इज जस्ट योर इंचार्ज एंड यू आर जस्ट एन एम्प्लॉई। आप जब इस तरीके से कार्य करा के चलोगे तो हमेशा आप बेहतर काम करोगे, वो हमेशा बेहतर करेगी। लेकिन जैसे ही आप स्कूल से बाहर निकलिए, आप बड़ी दीदी छोटी दीदी या जो भी आपका अपना एक व्यक्तिगत संबंध आप बना सकिए वो बनाइए, इनसे बेहतर करिए कोई आपको गार्जियन नहीं मिल पाया। मैं चापलूसी नहीं कर रहा, मैं अपने जीवन का आपको अनुभव बता रहा हूँ जो मैंने अपने जीवन में देखा है। उसी तो समय पे मैं आपको कहानी बता रहा था कि $1,000 की वो बात थी, वो एक स्त्री थी जिसके बारे में मैं ठंडी बाकी फिर बोल नहीं पाऊंगा, कुछ जरूरी है वो मैं देखूंगा। तो वो बैरिकेडिंग तोड़ के किसी तरीके से उस स्त्री के पास पहुंचता है। जैसे ही उस स्त्री के पास पहुंचता है उसने पूछा क्या हुआ बताओ, क्यों तुम इतना लड़ रहे हो सबसे, क्या बात है। उसने कहा आपका बहुत बड़ा फैन हूं और उससे ज्यादा बड़े फैन आप मेरे पिताजी आपके हैं, मेरे पिताजी आपके बहुत बड़े फैन हैं, आज उनका बर्थडे है और मैं उनको एक सरप्राइज देना चाहता हूं, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज अपना हाथ फेंक दीजिए, ये टी शर्ट मैंने उनके लिए खरीदी है। अब भावनाओं में वो स्त्री बह जाती है, एक छोटा सा लड़का अपने पिता के लिए गिफ्ट खरीदता है और उसके बर्थडे पर वो उनके एक फेवरेट एक्ट्रेस का या फेवरेट कलाकार का ऑटोग्राफ चाहता है, उसने उठाया सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद अपने साथ उसको छोड़ने लगती है और जैसे ही वो छोड़ती है उसी जहां पे वो आई हुई थी उसी पैलेस के बाहर वो चुपचाप एक स्टॉल लगाता है, वहीं लगाता है फलानी हीरोइन की साइन की हुई टी शर्ट $1,000। अब उसमें बहुत से लोग ये बात सोचते हैं मैं ले लूं, लेकिन $1,000 मैटर करता था, $1,000 मैटर करता था। 5 मिनट का समय गुजरना था कि उसमें से जैसे वो प्रोग्राम खत्म होता है वो हीरोइन वहां से जाती है, फील्ड बाहर आती है, फलाने हीरोइन की ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट $1,000 में। एक बंदा आता है कहता है मैं $1,000 दूंगा मुझे दो, दूसरा कहता है नहीं मैं $1,100 दूंगा मुझे दो, तीसरा कहता है नहीं मैं $1,500 दूंगा मुझे दो, दूसरा कहता है $2,000 टी शर्ट के $2,000 मुझे टी शर्ट चाहिए, $2,000 ऐसा रखे और लेकर टी शर्ट चल गया। जब जाकर के अपने पिता के सामने वैसे $2,000 रखता कि पिताजी मैंने $1,000 बेचा, उन्होंने कहा बस बेटा तुमको बिजनेस आ गया, बस बेटा तुमको बिजनेस आ गया। यही होता है असली बिजनेस, जब आप ₹1 की कीमत वाली चीज को दो गुने नहीं 2,000 गुने दाम पे बेच जाइए, ये चीज आपका असली बिजनेस होता है और यही आपके काम की सीमा है, यही होता है आपका सेल्फ मोटिवेशन। अगर उस लड़के ने पहले ही क्विट कर दिया होता अरे यार $1 की चीज भी गलती टी शर्ट $2 में कौन लेगा, वही उसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। उसी जगह पे आप में से और हम में से एक सोच का ही अंतर होता है। अगर एक व्यक्ति आपके सामने है जिसको हम टीवी भी देख रहे होते हैं और एक व्यक्ति है जो बैठ करके सामने टीवी देख रहा है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में सिर्फ एक चीज का अंतर होता है वो एक सोच। शायद वो आपसे सुंदर देखते भी नहीं, रजनीकांत को आप देख लीजिए ना सर में बात है और ना कोई शक्ल बहुत अच्छी है, लेकिन पूछे जाते हैं अपने इलाके में सिर्फ क्या चीज है, एक सोच। कहीं जब आप अपनी सोच रखोगे आप काम करोगे तो आपकी किस्मत भी आपके आगे आप बिल्कुल आ जाएगी। और यही सोच थी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के ग्रुप ऑनर को, उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा को आनंद महिंद्रा नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। अपने पिताजी के साथ, इनके पिताजी मजदूरी करते थे, एक दिन इतना पैसा ही पाए खाली नमक और रोटी खा सके, रोटी खाली खा सके, उन्होंने रोटी ऑर्डर किया होटल पे, आई तो उसने कहा ए काम करो जरा एक खाली प्लेट ले, उसमें नमक का भी पैसा लगता था, जरा खाली प्लेट ले लेकर के आता है और उस
प्लेट में ऐसे रोटी तोड़ करके ऐसे डालता, उसमें प्लेट में कुछ रहता नहीं, ऐसे डालता ऐसे मुंह डाल लेता। पापा ने मारा एक थप्पड़ खींच के, कहा ये क्या कर रहा है, पागल लगा हो गया है। कहा पापा खाली रोटी पेट के अंदर नहीं जा रही है, तो सोच रहा हूँ नमक रखा थाली में, मैं डबल करके खा रहा हूँ, फिर मारा एक थप्पड़। कहा सोचना है तो चिकन बिरयानी सोच, सोचना है तो क्रीम मलाई दूध सोच, ये रोटी सोच, ये नमक सोचने की क्या जरूरत है। बाप ने फिर लग गई, कहा अगले दिन से मैं मजदूरी नहीं करूंगा, मुझे मजदूरी करना है तो मैं ऐसी मजदूरी करूंगा कि मैं अपना खुद का मजदूर बन जाऊंगा, और ऐसा मजदूर जो पूरे विश्व में होगा। और आज देख लीजिए वो रिच क्लास चलाते 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 आज आनंद महिंद्रा 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 कंपनी के ऑनर बन गए। सिर्फ एक सोच की बात होती है। अब आप में से जितने भी लोग बैठे हो, आपके द्वारा एक स्टेप लिया गया और वो आपका करियर डिसाइड कर देता है कि आप आगे बढ़ोगे या वहीं पीछे रह जाओगे। सिर्फ एक चीज है और वही सोच आपको हमेशा डेवलप कर दे। आपका तो ये सोच मिलती कहां से है, ये सोच मिलती कहां से है? हर चीज का एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है, एक एनवायरमेंटल इफेक्ट भी होता है। आप क्या बनना चाहते हो, एकदम अलग रहने वाला या पूरे में से एक बंदा, क्या बनना चाहते हो? बेशक आप में से एक बिल्कुल एक वो बनना चाहता है जो हमेशा एक शानी स्टार के रूप में आए। एक बात के लिए एक क्वेश्चन करूं, अगर आप लोग माइंड में करिए तो मैं प्लीज आप माइंड में करिए, क्या जब कभी कहीं बैठा जाता है तो ये बैठने की दशा होती है, क्या बैठने का सिस्टम होता है? इस केस में जैसे आपका एक वर्ड साफ है जी, वर्ड साफ नहीं होता तो एक ग्रुप डिस्कशन होता है जी। ग्रुप डिस्कशन जैसे आपने कोई इन्वेस्टर किया वर्कशॉप में, ग्रुप डिस्कशन नहीं होता वर्कशॉप में, ग्रुप डिस्कशन इसके पहले दो तक हुआ पासपोर्ट का जो होता है यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन जी वहाँ पर मैनेज करवाया गया और उसी के अकॉर्डिंग होता हमारे टीचर से हमें सर ग्रुप डिस्कशन करने के लिए फिर कॉन्फ्रेंस टाइप बनता है एक वाली हो सकता है। लेकिन बेसिकली आप अपने बच्चों को भी सिखाते हैं सर कि जब कभी भी आप किसी जगह पे बैठिए मैंने इसीलिए कहा था नहीं बिल्कुल बिल्कुल बेशक आप इसमें रखिए, लेकिन बेशक यही तरीका होता है। अगर ग्रुप बनता है कभी भी, आप कभी भी प्रोफेशनल मीटिंग देख लीजिए, कॉन्फ्रेंस देख लीजिए या कभी भी कहीं वर्कशॉप देख लीजिए, आप अच्छी अच्छी कंपनी में अगर आप ऐसे कोई बंदा जुड़ा हुआ होगा किसी भी जगह पे जुड़ा हुआ होगा किसी प्राइवेट कंपनी जैसे कुछ लोग सहारा में काम करते हैं, कुछ लोग एलआईसी में काम करते हैं या कुछ लोग उसमें पहले आरसीए बिजनेस में काम करते थे, एक स्टेज लगा रहता है ऑडिटोरियम में पैरेलल लाइन की होती है और पैरेलल लाइन लगने के बाद सब फेस टू फेस बैठते हैं। हमें जब कभी भी ग्रुप डिस्कशन करना होता है तो ग्रुप डिस्कशन करने के लिए इस तरह की एक टेबल रखी जाती है बीच में ताकि अगर आपको कोई बात नोट करनी है तो आप नोट कर सकें, नहीं तो बिल्कुल पैरेलल सीधी सीधी लाइन होती है। सर एक्चुअली आप प्रोग्राम के बारे में ये जानकारी नहीं थी कि केवल आप के बीच हो, ये भी हो सकता है कि जो तो आप कोई क्वेश्चन करें जिसमें जो तो हमारे टीचर डिस्कस कर लिए बिल्कुल आपकी अपनी लाइन सर सही है, बेशक अपनी लाइन सही है, बेशक आपकी अपनी लाइन बिल्कुल सही है 100% सही है। लेकिन आप सोचिए आप क्लास में जाते हैं और अगर इस तरह का एक एनवायरनमेंट पाते हैं किसी भी जगह, हम बेसिकली क्या मतलब क्या डिमांड करते हैं, हमारे दिमाग में क्या ऑब्जर्वेशन होता है, क्या एक हमारे दिमाग में इमेजिनेशन होता है, यही सब लोग इस तरीके से बैठेंगे। आप अपनी जगह पर सही है, मैं वही आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, माइंड मत करिएगा, बस मेरा कहने का तर्क समझिए, आप सब लोग बात को तर्क समझिए कि आप एक मिनट के लिए, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, चिंता मत करिए, बस मेरी बात को एक मिनट के लिए तर्क समझिए, मेरी बात का सिर्फ एक मिनट के लिए तर्क समझिए, मैं अपनी जगह पर सही हूँ। लेकिन क्या है, आप अपनी जगह पर सही है लेकिन देखने वाला क्या सोचता है, देखने वाला क्या सोचता है। अभी हाल की मैं बताता हूँ एक इवेंट था, वैसे तो मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ लेकिन मेरे एक बड़े भैया हैं और वो थोड़ा सा कभी कभी हल्का मैं निकल करते गैप ही रहता उनके घर वालों का देख ही रहता नहीं था, उनके हाथ से मैं छीन करके लेके आ रहा था, कुछ लोग थे वो लड़का भी पीना था वो लड़का भी पीना था, गलती मेरी क्या थी, मैं तो किसी को रोकने के लिए गया था लेकिन उन्होंने उस जगह खड़े मुझे देख लिया और वहां मैं कह दिया। ये होता है एक आपका ऑब्जर्वेशन, कोई आपसे कहने नहीं जाएगा, कोई आप में से किसी व्यक्ति से कहने नहीं जाएगा हम रास्ते पे क्या कर रहे हैं कैसे। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर 5 मिनट पहले या 20 मिनट पहले मैंने एक बात कही थी कि आप सीधे रास्ते पे जा रहे हो अचानक से आपने यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद में आप चले जाओगे लेकिन वो क्या कहता है पता नहीं कैसे बेहूदा कहकर गाड़ी चला रहा है, हम उसे भी नहीं जाते हैं लेकिन अपने दिमाग में ये बात तुरंत आपकी एजुकेशन को पॉइंट आउट करती है। यही चीज होता है आपका एक सिनेरियो जब कभी भी आप किसी एनवायरमेंट में बैठते हो। हम चलते हैं, चलने के हमारे तरीके से 5 मिनट में ये गेस कर लिया जाता है इस बंदे का लेवल क्या है,
हम काम करते हैं तो उस तरीके से कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल यही चीज मैं आपसे बता रहा हूँ। अगर हमें छोटी छोटी पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना होता है, अगर हम जो होता वही जैसे आप लोग बता रहे हैं और सब कर रहे हैं ये सेम चीज करते तो शायद इस पॉइंट को आपके दिमाग में बात आएगी। इसलिए हमें अभी पढ़ने के लिए बात सही है, चीज करना आपकी बात सही है, लेकिन वो तो आप हर जगह उसी चीज को देख रहे हैं और यहाँ इस रूप में देखे हैं। बिल्कुल ये भी होता है, यूनिक होना भी जरूरी है। बिल्कुल एकदम। और जब हम यूनिक बनने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे तो गलतियाँ होंगी। बिल्कुल गलती 100% होगी। गलती करना गलती का बिना परवाह किए अगर हम आगे बढ़ते हैं तभी हम यूनिक बन पाए। बिल्कुल आपकी सबसे बड़ी बात है, मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे संज्ञान से वो चीज उतनी बेहतर नहीं होती जितना हम वहां पर लोगों के द्वारा। मैं यहाँ पे अपने संज्ञान सारी चीज जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया, सर समझे लेकिन कुछ लोग इस बात को माइंड कर सकते हैं कि देखो यार उसने हमारे कभी दिखा दिया ये चीज कभी दिखा दिया। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। बिल्कुल सबसे यही चीज है। अब देखिए एक बात मुझसे किसी ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको हमेशा दोस्त करनी है तो अपनी कमी को हमेशा अपने पॉजिटिविटी में लेकर के मैं पढ़ता था, मेरे पढ़ने की कहानी थी जब मैं बोलता था कभी कभी ऐसे बोल जाता था कि लोग मेरी बात को समझ ही नहीं पाते थे किसने बोला क्या, इतने तेज में मैं बोल जाता था। जैसे मैम की बात है मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ आवाज में, उनका स्वर थोड़ा सा धीरे है, लेकिन वो चीज उनकी मैच्योरिटी को दर्शाता है, वो चीज उनकी मेच्योरिटी को दर्शाता है। सब लोग शायद उनकी आदत को थोड़ी देर बाद जाने लेकिन उनका जो ये स्तर है ना, उनका जो अंदाज है ये उनकी मेच्योरिटी को दर्शाएगा। वो हमेशा हैप्पी को लकी टाइप की रहेगी। लोग ये कहेंगे बड़ी यार चेयरफुल लेडी है, जो भी वहाँ की प्रिंसिपल है या जो भी वहाँ की है बड़ा बढ़िया नेचर है। रीजन क्या है कि ऐसे बोलने वाले हमेशा अप्रिशिएशन में रहते हैं। ये एक अंदाज है, हम अपनी कमी को अपनी पॉजिटिविटी में लेकर के चले हैं। जब ये मेरी कमी दिखाई गई कि आप बहुत धीरे बोलते हो, आपकी स्पीड बहुत तेज है, आपको समझ नहीं आता, मैंने कहा ठीक है। आज के हमारे समाज में यही है कि जो बंदा इंग्लिश बहुत तेज बोले उसी की कदर होती है, लो इंग्लिश। बाद में मुझे इसको ये जानिए 100 की स्पीड से 20 की स्पीड पर लाना पड़ा क्योंकि मुझे अब वर्कशॉप देना है, कभी अपने आपको खूब नहीं था। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसे कंडीशन में यही होता है, हमें वहां के आसपास के सिनेरियो को देखते हुए, आसपास के माहौल को देखते हुए अपनी सारी एक्टिविटी करनी होती है। ये चीज मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप एक गाइड करने वाले हो, आप एक गाइड हो। कल आप अपने जीवन में रहोगे, आप अपने माहौल में रहोगे, किसी जगह